Hello, dear learners. This video is helpful for the students of psychology and educational psychology who are going to appear in NTA UGC NET or even any TET exam. So, without wasting time, let's revise some questions of psychology or educational psychology. Question number one Which branch of psychology deals with the diagram of psychological disorder? देन वी आर टाकिंग अबाउट डायग्राम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये क्लिनिकल में हम डिस्कस करते हैं देखो काउंसलिंग में हम कौन सी डिस्कस uh, करते हैं करियर से रिलेटेड वोकेशनल से रिलेटेड जिसमें जस्ट काउंसलिंग की जाती है किसी की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम डील्स करते हैं एजुकेशन के फील्ड में और साइकोलॉजी के फील्ड में जब यहाँ पे डिसऑर्डर आपको क्या करना है फोकस करना है कि क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसके बारे में कहा गया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात है तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं सभी तरह की साइकोलॉजिकल uh, प्रॉब्लम्स उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट करना है किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना है ये सारा क्लिनिकल साइकोलॉजी में डिस्कस कर किया जाता है सेकंड द लेबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी वाज इन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आर रिलेटेड द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय देखिए ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी किसने ओपन की थी ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब ओपन हुई थी अठारह में 1879 में विलियम वोडेट ने लिपजिंग ये जर्मनी के अंदर ओपन की थी जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था सेंसेशन एंड फीलिंग्स पे सेंसेशन एंड फीलिंग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने और लिपजिंग यूनिवर्सिटी थी जर्मनी में वहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश की थी इट वॉज इन एटीन सो आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज

इवोल्यूशन से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसके अंदर दी गई है कि मनुष्य सभ्यता किस तरह से जनरेट हुई है उसकी इवोल्यूशन सारे की सारे हम इस बुक में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव फ्रोड गेव एन इंटरप्रिटेशन टू मेंस एक्शन अब फ्र, सिगमंड फ्रायड का नाम आप सबने सुना होगा तो सिगमंड फ्रायड ने किस मेंस के कौन से एक्शन पे इसने इंटरप्रिटेशन दी थी देखो इन्होंने जो सिगमंड फ्राइड है इन्होंने आ, आ, कहा था कि जो मनुष्य है वो अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए फुलफिल करने के लिए वर्क करता है मनुष्य का पूरा पूरा कार्य अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने में लगा रहता है तो जैसे कि उन्होंने इन जो स्टेजेस भी बताई हैं ओरल, एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल ये पांच स्टेजेस इन्होंने बताई डेवलपमेंट की तो उसमें भी इन्होंने क्या बताया था कि ओरल स्टेज में भी जब बच्चा छोटा होता है वो उसको किस चीज़ में उसकी कैसे कंप्लीट होती है वो इमोशंस को अपने सकिंग करता है वो अंगूठा जो चूसता है उससे भी उसको प्लेजर मिलता है तो ये उसकी सेक्शुअल डिज़ायर्स हैं इस तरह से कम्प्लीट करता है तो सेगमेंट फ्राइड की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसको जरूर पढ़िए आप इसमें इन्होंने मैंस के कौन से एक्शन को दिया है इन्होंने सेक्सुअल एक्शन को ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सिक्स द मेथड विच इज एम्प्लॉयड टू स्टडी वेरियस रिलेशनशिप एंड एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स जब दो वेरिएबल्स के बारे रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं उनके बीच में किस तरह की एसोसिएशन है किस तरह का रिलेशनशिप है ये मेजर करने के लिए हम कौन से मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं देखिए इंटरव्यू तो क्या होता है डायरेक्ट वन टू वन या वन टू मैनी हम सॉरी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं इंटरव्यूज में क्लिनिकल uh, में uh, एक क्लाइंट को डिस्कस किया जाता है क्लाइंट से रिलेटेड इश्यूज़ लिए जाते हैं उसकी थोरोली स्टडी की जाती है लेकिन जब हम वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंशियल मेथड हेल्पफुल होता है देन क्वेश्चन नंबर 7 स्टडीज कंडक्टेड ऑन द बिहेवियर व्हिच अकर्स इन नेचुरल हैबिटेट आर कॉल्ड देखिए नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहे हैं जिस हैबिटेट में जो कंडीशन अकर हुई हैं उसी सिचुएशन में ही उसको स्टडी करना ये कौन सी तरह की स्टडी कहलाएगी इट इज फील्ड स्टडी देखिए केस स्टडी क्या होती है किसी एक केस के बारे में किसी एक क्लाइंट के बारे में किसी एक पर्सन के बारे में किसी एक कंपनी के बारे में पर्टिकुलर वन वेरिएबल की आप क्या कर रहे हैं एक के बारे में डीपली स्टडी कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग से लेके अब तक की जो उस उनके अंदर इश्यूज़ हैं सभी उसको स्टडी कर रहे हैं लेकिन फील्ड स्टडी क्या होती है जब नेचुरल हैबिटेट है जैसा ही एनवायरमेंट उसको प्रोवाइड किया गया है उसमें किस तरह से स्टडी हमें करनी है बिहेवियर के बारे में देखिए अगर कोई आप कहते हैं कि एक बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है आप उसको अपने सामने बैठा लेंगे और उससे बातें पूछेंगे इंटरव्यू करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से बिहेवियर कर रहा है आपको उसके बिहेवियर को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसकी ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी तो उससे थोड़ा सा अवे थोड़ा दूर रहकर आप उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करेंगे कि वो बच्चा खेल रहा है तो दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है क्लासरूम में उसका बिहेवियर आप दूसरों के उसके सामने बैठने की बजाय आप नेचुरल उसके एनवायरनमेंट में जाके जैसे उसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे तब आप एक्चुअल सही डाटा उससे रिलेटेड कलेक्ट कर पाएंगे तो इस तरह जो स्टडी की जाती है नेचुरल हैबिटेट में वो फील्ड स्टडी कहलाती है देन क्वेश्चन नंबर एट्थ लुकिंग विद इन ओन माइंड ऑब्जर्विंग क्या कहा है Looking within one's own mind, अपने में करना कि किस तरह से एक प्लांट वे में सब कुछ जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा इंट्रोस्पेक्शन इंट्रो इनसे आप याद कर सकते हैं इन अंदर होता है इंट्रोस्पेक्शन यानी अपने अंदर झाक के अः पता लगाना और यहाँ पे बाकी भी आप समझ सकते हैं कि क्या है ऑब्जर्वेशन क्या है एक साइड रहकर सिचुएशन को ऑब्जर्व करना देखना एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है जैसे कि साइंस लैब में किया जाता है या एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पे कुछ इफेक्ट आपको देखना है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं मेडिटेशन आप जब पर्टिकुलर अपने आप में फोकस कर रहे हैं किसी पॉइंट पे यहाँ पे मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन में डिफरेंस आ जाता है मेडिटेशन में आप अपने मस्तिष्क को सेंटर करने के लिए अपने आप के मस्तिष्क को शांत करने के लिए एक ही बिंदु पर फोकस करते हैं और अपने अस्तित्व के बारे में स्टडी करते हैं बट जब हम बात कर रहे हैं कि अपने आप को ऑब्जर्व करना कि किसी एक प्लांट वे से सब कुछ जा रहा है नहीं वो है इंट्रोस्पेक्शन ओके क्वेश्चन नंबर फाउंड ओनली इन मेल्स एक्स वाई एक्स वाई और एक्स एक्स देखिए एक्स क्रोमोजोम इज फॉर फीमेल्स वाई क्रोमोजोम फाउंड इन मेल्स और जब आप एक्स और वाई मिलते हैं तो वो एक मेल बेबी को बर्थ मिलता है और जब एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स मिलते हैं तो एक गर्ल बेबी को मिलता है बर्थ मिलता है तो इस तरह से क्रोमोजोम मेल्स में होता है वाई क्रोमोजोम फीमेल्स में होता है एक्स क्रोमोजोम ओके क्वेश्चन नंबर टेन हेरिडिटी इज डेटमाइंड बाय हेरिडिटी किस चीज से हम डेटमाइंड कर देते हैं हेरिडिटी देखिए अनुवांशिकता जब हम कहते हैं कि ये तो इसकी हेरिडिटी में है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रही हैं वो चीज़ें तो वो हेरिडिटी में किस आ, के थ्रू जनरेट होती हैं ये होती हैं जीन्स जीन्स ही हैं जो उस हेरिडिटी को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फॉरवर्ड करती रहती हैं देन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ डू द चिल्ड्रन ऑफ इंटेलिजेंट पेरेंट्स ऑलवेज शाइन इन स्टडीज क्या इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं पेरेंट्स के बच्चे हमेशा ही इंटेलिजेंट होंगे नहीं कई बार क्या होता है सिचुएशन पे डिपेंड करता है बहुत अच्छे बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं लेकिन बच्चे कई बार उनके अब नॉर्मल हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस के वजह से भी हो सकता है तो ये सभी केसेस में नहीं हो सकता तो जब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या इंटेलिजेंट पेरेंट्स के बच्चे हमेशा ही स्टडी में इंटेलिजेंट होते हैं अच्छे होते हैं तो इसका आंसर लिखेंगे नौ no. देन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल क्या होता है क्रोनोलॉजिकल एज वाइज होती है क्रोनो मतलब एज से रिलेट करते हैं तो एज के अकॉर्डिंग आपको इन स्टेजेस को ऑर्डर में लगाना है देखिए यहाँ पे ये स्टेजेस किसकी हैं प्री ऑपरेशनल फॉर्मल कंक्रीट सेंसरी ये ऑपरेशन ये स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी की प्याजे ने दी थी इन्होंने चारों स्टेजेस बताई हैं सेंसरी मोटर स्टेज सबसे पहले आती है जिसमें दो जीरो से दो साल का बच्चा होता है पैदा होते ही वो उसकी सेंसेस से वर्क करता है सारा तो रोना हंसना सीखना ये सारी की सारी सेंसेस को यूज़ करता है तो सेंसरी मोटर स्टेज है जीरो से दो साल तो सबसे पहला ऑप्शन क्या आ गया फोर तो यहाँ पे आप सभी इनको चारों को देखेंगे तो चारों में से ही सबसे पहले हम सी पे ही क्लिक कर सकते हैं कि हमारा ऑप्शन यही होगा पहली स्टेज पता होते ही बाकी दूसरी क्या है प्री ऑपरेशनल थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशन और फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज अब प्री ऑपरेशनल स्टेज इज ऑन फर्स्ट नंबर सो फोर कंक्रीट ऑपरेशनल थ्री नंबर देन क्वेश्चन नंबर फॉर्मल ऑपरेशन सॉरी ऑप्शन टू फोर वन थ्री टू कोड सो सीज द आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्याजे कॉल्ड पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज प्याजे ने इन्फेंसी जो स्टेज है उसको कौन सी स्टेज में किया है इन्फेंसी uh, कौन सी होती है इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु बच्चे होते हैं और वो कौन सी स्टेज है इन, इसकी जीरो से दो साल वाली सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज देन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन दिस मैथड कंपेयर्स द चिल्ड्रन एट वेरियस एजिस सिमल्टानियसली ये मैथड जो है देखो साइकोलॉजी में भी और हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी स्टडी करते हैं मैथड्स स्टडी करने के लिए डाटा को स्टडी करने के लिए कि किस तरह से आप उसको स्टडी करेंगे उसमें जब हम कंपेयर करते हैं बच्चों को वेरियस एजेस को कि एक जब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं कि दो साल का बच्चा है फिर चार साल का बच्चा है फिर छः साल का बच्चा है वो जो एक बच्चा है जिसको ये कोई मेंटल इश्यू है कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो उसके साथ उस प्रॉब्लम के साथ जब वो बच्चा फॉर एग्जांपल फोर्टीन फिफ्टीन इयर्स का हो गया तब तक उसकी किस तरह से ग्रोथ हुई है इस तरह आपको उसको किस को स्टडी करना है तो एक तो होता है मेथड कि जब आप उस बच्चे के साथ साथ डाटा कलेक्ट करते हैं कि बच्चा जब दो साल का था तब से आपने उसके डाटा कलेक्ट किया उसकी हाइट वेट सब कुछ आपने उस पर मेजर कर लिया फिर उसके बाद आपने जब वो तीन साल का हो गया तब उसके डाटा कलेक्ट किए फिर फोर साल का हो गया वही कॉन्टीन्यूअस स्टडी एक ही बच्चे की चलती रहेगी के स्टडी वो दो साल से लेकर जब वो फोर्टीन ईयर्स का हो गया तब तक आप

तो आपने दो साल से लेके चौदह साल के बच्चों के डाटा कलेक्ट कर लिए हैं और एक ही टाइम पीरियड पे और प्रॉब्लम आपने वही है तो दो साल से चौदह साल तक के बच्चों के अंदर क्या आपने चेंजेस ऑब्जर्व किए ये सारा हम मेथड कौन सा हो जाता है ये क्रॉस सेक्शनल मेथड इस मेथड को क्रॉस सेक्शनल मेथड कहते हैं जब अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को आपने एक ही टाइम पे स्टडी कर लिया हो ठीक है तो क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल ये दो मेथड होते हैं साइकोलॉजी में केस स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेने के लिए ओके okay? तो यहाँ पे जब कंपेयर करेंगे चिल्ड्रंस को वेरियस एजेस के साथ तो वो हो जाता है क्रोस सेक्शनल मेथड देन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एट बर्थ अ न्यू बोर्न हैड इज अप्रोक्सीमेटली परसेंट ऑफ इट्स टोटल बॉडी एक न्यू बोर्न बेबी का वेट अपनी बॉडी से पच्चीस प्रतिशत होता है सो आंसर इज ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द एवरेज आई क्यू ऑफ आइडेंटिकल एंड फैटरनल ट्विन इज डैश देन द पीपल बोर्न इंडिविजुअल जब हम एवरेज आई क्यू की बात करते हैं तो जो एक तो आइडेंटिकल और फैटरनल ट्विन्स है बिल्कुल अलग अलग होते हैं और दूसरा है वो पीपल जो बॉर्न होते हैं इंडिविजुअल एक बच्चा अकेला पैदा होता है तो इन दोनों के आईक्यूज को अगर हम कंपेयर करें तो जो ट्विन्स होते हैं उनका आई लोअर होता है देन द इंडिविजुअल बोर्न पीपल के ठीक है चाइल्ड के देन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन ट्रायल एंड एरर लर्निंग वॉज मैं बाय ट्रायल एंड एरर मैथड किसने दिया था थोन देन द

क्लासिकल कंडीशनिंग किस पे लगाई थी डॉग पे देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी लर्निंग इज मॉडिफाई मॉडिफिकेशन ऑफ डैश एंड थॉट एंड एक्सपीरियंसेस लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड थॉट एंड एक्सपीरियंसेस सो आंसर इज ऑप्शन बी अ पॉजिटिव री इज अ पनिशमेंट रिवार्ड लाउड नॉइस और फ्रॉन पॉजिटिव री जब आपको पॉजिटिव देना है री करना है तो आप कौन सा दोगे इसके अंदर रिवार्ड दोगे या पनिशमेंट दोगे देखो पनिशमेंट तो क्या होगी सजा होगी तो पनिशमेंट से तो वो करेगा ही नहीं रिवार्ड क्या हो गया उसको आगे और उत्सुक हो जाएगा वो काम करने के लिए अगर उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलता रहेगा पुरस्कार मिलता रहेगा तो आंसर इज ऑप्शन बी इंट्रेंसिक मोटिवेशन आर इंट्रेंसिक मोटिवेशन कौन सा है देखिए हमने एक थ्योरी की हुई है हजरी इन्फोर्समेंट थ्योरी उसके अंदर सबसे पहले ही चीज ये आती है कि ड्राइव होने जरूरी हैं ड्राइव होंगे तब अगर ड्राइव पुश करते हैं हमारे इंटेंसिक मोटिवेशन को तो आंसर इज ऑप्शन ए ड्राइव्स आर द इंटेंसिक मोटिवेशन दे द ऑफ इफेक्ट वाज डेवलप्ड बाय ला ऑफ इफेक्ट किसने इजाद किया था बताइए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इट वाज इन ये देखिए इसका एक और क्वेश्चन uh, ये भी बनता है कि द ला ऑफ इफेक्ट वॉज इन डैश मैथड कौन से मैथड से आया ये ये आया था ट्रायल एंड एरर से कि जब ट्रायल एंड एरर में क्या होता है कि जब आपको बहुत अच्छा कुछ मिल जाता है तो आप उसी चीज को बार बार फिर ट्राई करेंगे उसी चीज को पुश करेंगे तो लाव इफेक्ट कहता है ये आप इसके अंदर तो लाव इफेक्ट डेवलप किया था ने देन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हुज नेम इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द एपरेटस ऑफ पजल बॉक्स पजल बॉक्स किसने बनाया था आई एल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन यू विल आंसर आप सब इसका आंसर करेंगे प्लीज कमेंट इन द बॉक्स इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेल द आंसर ओके टिल देन हैव अ गुड डे टेक केयर बाय